ये फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन हेवन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विंटर का जो वेदर है वो जा चुका है और अभी समर्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये जो वेदर है ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए परफेक्ट है। इस मौसम में जो प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। उनमें नए नए जो लीव्स हैं, नए नए उनके पप्स हैं वो निकलते हैं। ऑल ओवर जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। तो आज मैं आपको अपने सभी प्लांट्स से मिलवा रही हूँ, क्योंकि इनको देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो सोचा अपनी ये जो हैप्पीनेस है वो आप लोगों से भी शेयर करूँ। सबसे पहले देखिए, ये जो मेरा पीस लिली है, पीस लिली ये ब्लूमिंग कर रहा है। देखिए इसके ये वाइट कलर के फ्लावर्स हैं। हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और इसके लीव्स भी बहुत अच्छे लश ग्रीन लग रहे हैं। और ये मेरा पोथोस देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसमें नए नए लीव्स निकल रहे हैं। ये मेरा सेटिन पोथोस है, इसके भी नए नए लीव्स आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा ये इंग्लिश शाइवी का प्लांट है। ये देखिए इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, ये ऊपर तक जा रहा है। मैंने इसको सपोर्ट करने के लिए थोड़ी सी एक स्टिक लगा दी थी, बट ये इसकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी हो रही है। छोटे से पॉट में ये छोटा सा प्लांट है और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। और ये मेरा देखिए पैनीवॉर्ट का प्लांट है, कितना सुंदर है। और ये मेरा जो है ये जनाडो का प्लांट है, इसकी भी नए नए अंदर से लीव्स और नए नए इसमें से पप्स निकल रहे हैं। और फ्रेंड्स देखिए मेरा फर्न, ये एक पॉट में लगा हुआ है। ये जो फर्न है ना, एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। और ये इधर मेरा ये रेड एग्लोनीमा है, लिपस्टिक एग्लोनीमा, ये भी बहुत सुंदर इसका जो ग्रोथ है हो रही है। और फ्रेंड्स ये देखिए मेरा ये स्पाइडर छोटे से पॉट में है और इसकी ग्रोथ देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये मैंने अपने एक जैसे ये प्लांट था मेरे पास, तो उसी प्लांट से मैंने ये जो है सारे स्पाइडर अपने तैयार किए हुए हैं। एक स्पाइडर ये देखिए, ये भी कितना बड़ा हो रहा है। देखिए जैसे ये स्पाइडर है ना, इसके नीचे ये निकल रहे हैं छोटे छोटे बेबी प्लांट्स। तो जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, इनको मैं कट करके लगा दूंगी, तो इससे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। ये मेरा एस्पैरेगस फर्न देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे तक आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और इधर मेरी बास्केट्स में फ्लावर्स भी आ रहे हैं। ये प्लांट का नाम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन इसमें ना ब्लू कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा है ये। और इधर मेरा ये एवरग्रीन का है, इसकी ग्रोथ देखिए फ्रेंड्स कितना बुशी प्लांट लग रहा है ये। इधर भी ये मैंने फर्न लगा रखा है, ये भी बहुत सुंदर हो रहा है। और ये इधर मेरा ये एग्लोनीमा के ही प्लांट्स हैं। और ये देखिए ये बड़े बड़े सिंगोनियम के हैं, ये मेरा डिफनवेकिया का है। और ये शफलेरा के दोनों प्लांट्स हैं। और ये मेरा स्पाइडर देखिए, ये भी मैंने खुद ही तैयार किया हुआ है, जैसे ये छोटे छोटे इसके बेबी प्लांट्स ही तैयार किया हुआ है। और इधर एक जनाडो मैंने इसमें लगा रखा है। और ये मेरा फर्न देखिए, पल्मोसा फर्न, ये भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और ये मेरा इंग्लिश आईबी का प्लांट, बहुत ही अच्छा ये देखिए एक नीचे लगा हुआ है। और इधर मेरा टर्टल बाइन देखिए, ये मैंने कुछ दिन पहले ही लगाए थे बास्केट्स में, कुछ दिन पहले ही लगाए थे और ये ग्रो करना स्टार्ट हो गए हैं। और ये मेरा मनी प्लांट है, पोथोस है। इधर ये मेरे सारे पोथोस लगे हुए हैं, उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। और ये ब्रोकन हार्ट का है। इधर ये देखिए लिली का, ये जो बड़े लीव्स में लिली है वो है। और इधर मेरी आप बास्केट्स देख सकते हैं, बास्केट्स ये देखिए बहुत प्यारे
प्लांट्स लग रहे हैं, टर्टल बाइन भी अच्छा ग्रो कर रहा है इधर। ये सारे जो प्लांट्स हैं इनमें से नए नए लीव्स आ रहे हैं, सब में नए नए लीव्स आ रहे हैं। इनकी हैप्पीनेस देखें, आपको खुद को ही बहुत अच्छा सा फील होता है इनको देख के। और एक मेरा पैनी बॉट का ये बड़े वाला है, देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा हो रहा है ये पैनी बॉट का। इस हाइट भी बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा बूशी है ये। और एक मेरा फर्न ये है, और ये जो जितने भी स्पाइडर हैं नीचे जो खाली गमले थे मैंने सब में स्पाइडर लगा दिया हुआ है, और सब बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं नीचे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे मैंने एक जेड प्लांट लगाया हुआ है, ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ये छोटे छोटे मैंने मनी प्लांट्स, इसकी पौधों की कटिंग लगा रखी हैं, वो भी लग चुकी हैं। अब जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो इनको मैं गमलों में लगा दूंगी। ये देखिए ये सिंगोनियम का कितना प्यारा हो रहा है। और ये मेरा वो जो बैम्बो प्लांट था, लकी बैम्बो प्लांट, ये भी अच्छा ग्रो कर रहा है। लेकिन सबसे प्यारा मुझे अपना ये बोस्टन फर्न लग रहा है फ्रेंड्स। एक छोटे से पोट में है और इसने पूरा कवर कर लिया है। ये जो यहाँ पे रखा हुआ है सभी प्लांट्स को इसने कवर कर लिया है, देखिए फ्रेंड्स। और ये एस्पेरेगस फर्न कितना प्यारा लग रहा है, ये नीचे तक टच करने वाला है। और इधर मेरे ये पोथोस हैं जो ऊपर मैंने बास्केट्स में लगा रखे हैं, और इधर ये वाले भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये मेरा टर्टल बाइन देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा ग्रो कर रहा है ये, जो मैंने बाहर एंट्री में लगा रखे हैं। ये कुछ प्लांट्स मैंने अपने जो वॉशरूम की विंडो पे भी रखे हैं, और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रही है फ्रेंड्स। ये एक तो मैंने ये सिंगोनियम का प्लांट लगा रखा है, ये भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और एक ये ब्रोकन हार्ट का जो प्लांट है, फाइलोडेंड्रोन का जो ब्रोकन हार्ट आता है, ये भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। इसमें से देखिए नए नए लीव्स निकल रहे हैं। और एक मैंने ये पोथोस लगा रखा है, ये भी अच्छा ग्रो कर रहा है। ये जो वेदर होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये जो वेदर होता है इसमें प्लांट्स को ना तो ज़्यादा गर्मी मिलती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, तो ये इनकी ग्रोथ के लिए परफेक्ट होता है। इसमें जो प्लांट्स का थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान रखोगे तो वो उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है। स्पाइडर प्लांट का जो पूरा बंच है ये बहुत ही क्यूट लगता है। इसमें से नए नए देखिए नए नए बेबी प्लांट्स नीचे आ रहे हैं, इनसे आप मल्टी प्लांट्स बना सकते हैं। इनको काट के आप दूसरे पॉट में लगाएंगे तो इससे प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। और ये कितना प्यारा लग रहा है, जेड प्लांट कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी जैसे गर्मियाँ थोड़ी सी धूप तेज़ होना स्टार्ट हो गई है, तो मैंने ये नेट से कवर कर दिया है कि इन पे डायरेक्ट धूप ना पड़े, क्योंकि डायरेक्ट धूप पड़ने से इनके जो लीव्स हैं वो बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो पौधे की सुंदरता है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैंने ये नेट से कवर कर दिया है ताकि इनको ज़्यादा धूप ना इन पे पड़े, तो मेरे प्लांट्स हैं वो सेफ़ रहें। तो बस फ्रेंड्स इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपसे किसी और टॉपिक पे कोई और बात शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।